हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें दीप टॉक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे चैनल से कनेक्ट होने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इट्स रियली मोटिवेट्स मी। और अपनी लर्निंग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आई रियली लव इट। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। स्वागत है आपका हमारे पॉजिटिव यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है दीप टॉक्स। माय नेम इज दीप ठक्कर, फिर से हाजिर हूं एक और सिंपल पॉजिटिव थॉट वीडियो के साथ। दीप टॉक्स एक ऐसे चैनल है जहां पर हम अलग अलग मोटिवेशनल एंड पॉजिटिव थॉट की बात करते हैं और उससे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाकर अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं। आज का जो पॉजिटिव थॉट है वो आपको ये बात सिखाएगा कि अगर आप लाइफ में कहीं भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उससे कैसे बचे। चलिए तो आज के पॉजिटिव थॉट की तरफ बढ़ते हैं, आज की लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं। सो टुडेस पॉजिटिव थॉट इज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड इफ यू गेट देन डोंट रिग्रेट योरसेल्फ, स्टार्ट अगेन। पहले मतलब समझा दो थॉट का, क्योंकि थोड़ा मैंने इसमें कुछ अलग तरीके से बताने की कोशिश की है। देखिए थॉट में ऐसा बोला गया है कि पहले तो आप कहीं पे भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उस चीज को थोड़ा दूर रखें। लेकिन अगर आप कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उस बात का अफसोस करने में समय बर्बाद ना करें, फिर से वो चीज आपको स्टार्ट अगेन, फिर से वो चीज आपको शुरू करनी है। देखिए डिस्ट्रैक्ट होना एक प्रॉब्लम तो है ही, वो तो पहले से एक प्रॉब्लम ही है कि अगर आपकी एग्जाम चल रही है, मीन्स आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो चीज आपको एग्जाम में पढ़ने नहीं दे रही है, तो वो डिस्ट्रैक्शन तो एक बड़ी मुसीबत, बड़ी प्रॉब्लम कह तो सकते हैं, वो एक प्रॉब्लम तो है। लेकिन उससे बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम कोई चीज में कोई चीज कर रहे हो, उस चीज करने में किसी चीज कोई और चीज हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके कारण हमारा कुछ समय बर्बाद हो गया है, तो हम उस चीज का अफसोस करने में लग जाते हैं कि मेरा ये समय बर्बाद क्यों हुआ। देखिए अफसोस करना एक ऐसी चीज हो जाती है कि कई हद कुछ समय तक, मीन्स 20-15 मिनट, 5-10 मिनट तक वो चीज़ ठीक है, लेकिन कई लोग वो अफसोस करने में 2-3 घंटे और निकाल देते हैं, तो वो और समय बर्बाद हो जाता है। देखिए अफसोस करना एक वो बात हो जाती है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन में लाता है कि अगली बार से मैं ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। वो चीज़ आपको डिसिप्लिन में लाने के लिए बराबर है, लेकिन अगर हम वो अफसोस करने में ही ज़्यादातर समय निकाल दें तो वो तो बहुत ही खराब बात हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन में पहले समय गया, बाद में अफसोस में समय गया। तो वो चीज ना करें। अगर आप कुछ चीज पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो वो चीज आपको तुरंत ही फिर से शुरू करनी है। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसको आपका बुरा, मीन्स उस चीज का आपको बुरा लगा है तो वो आप उसको लिख के देखें, आप वो चीज का सोल्यूशन भी निकालें। क्योंकि दीप टॉक्स 1 में मैंने बोला था कि अगर आप लिखेंगे तो उससे आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगे, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपको लिखना है कि अगली बार से मैं ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होने दूंगा, और वो चीज़ 10-15 मिनट में निपटा कर फिर से आपकी चीज़, मीन्स आप जो चीज़ कर रहे थे वो आपको शुरू करनी है और अपने गोल को अचीव करना है। तो ये थी सिंपल डिस्ट्रैक्शन की बात, डिस्ट्रैक्ट कम से कम हुए। देखिए अगर आप कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको, तो मीन्स अभी आपका जो समय है वो आपको ऐसा लग रहा है कि ये समय मेरे लिए क्रिटिकल है टू अचीव द गोल, तो कुछ दिन के लिए वो डिस्ट्रैक्शन को कम कर दे। अगर वो डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत ही परेशान कर रहा है अपने गोल तक पहुंचने के लिए तो डिस्ट्रैक्शन को कम करें। लेकिन अगर डिस्ट्रैक्ट हुए हैं तो भले हो गए, वो चीज़ चली गई, 10-15 मिनट में उसका सॉल्यूशन निकाल के आपको फिर से वो चीज़ शुरू करनी है। तो स्टार्ट अगेन, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।